हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन, बिना बिजली बिना पावर से स्ट्रॉन्ग और बूस्टर सोडा निकलने वाली सोडा मशीन, जहां रोड एरिया है, मार्केट एरिया है, कहीं पे पावर का आवश्यकता नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वहां पे आप ये मशीन लगा सकते हो दोस्तों। तो आज इसको मशीन की वीडियोस देख के स्पेशली हमारे कस्टमर आए, तमिलनाडु से कस्टमर आए हुए हैं मशीन देखने के लिए। मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, मशीन के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग निकलता है सोडा, जो हम वीडियो में बताते हैं वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग निकलता है कि नहीं निकलता है, उसको स्पेशली आज देखने के लिए हमारे आज कस्टमर तमिलनाडु से आए, ओनली देखने के लिए कि क्या चीज है और वीडियो में जो बताया जाता है वो ओरिजिनल है या जेन्यून है, वो देखने के लिए आए। तो हम थोड़ा सर से बात करेंगे, उनको मशीन का लाइव डेमो बताएंगे कि कैसी मशीन है, कैसे ऑपरेट होती है, उनके अंदर जो प्रोडक्ट निकला है वो कैसा निकला है और हम जो वीडियो में बताते हैं वो वैसा ही प्रोडक्ट निकला है कि नहीं निकला है। तो चलिए टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ, क्या नाम है सर आपका? उत्तम कुमार स्वामी, कारीकुड़ी से आया हुआ सर। अच्छा, कारीकुड़ी कहाँ पे आया सर? मदुरै से 100 किलोमीटर है सर। अच्छा, तमिलनाडु। हाँ जी, स्टेट तमिलनाडु है। हाँ जी, शिवांगी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, तमिलनाडु से स्पेशली विजिट के लिए आए। और सर, आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला आपको सर? यूट्यूब चैनल में वीडियो, आपका वीडियो देखा था। यूट्यूब में हमने वीडियो डाले, तो वीडियो देख के अंदर फिर कॉन्टेक्ट किया होगा मेरी टीम को, आज भावनगर आए विजिट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, अभी इसमें हमारी जो कंपनी, हम YouTube में जो बनाते हैं, जो दिखाते हैं सब प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पे आपको आके वो ओरिजिनल लगा सब काम? हाँ जी, वो क्वालिटी क्या है उसमें वीडियो में कैसे दिखा रहता है वो ऐसे नहीं, इसलिए हमारा काम जो मशीन बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इसको दिखाते हैं और हमारी फैक्ट्री है, जेन्युइन लगा आपको सर? हाँ, जेन्युइन लग रहा है। प्रोफेशनल लगा के कई, इसमें क्या कई लोग कुछ बताते कुछ है और होता कुछ है, वीडियो में कुछ अलग दिखाते हैं, वहाँ जाते हैं तो कुछ दिखता नहीं है आपको। तो हमारी कंपनी में हम जो वीडियो बनाते हैं तो ओरिजिनल लगा आपको यहाँ पे? हाँ जी, विश्वास है, आ रहा है सर। सभी हम मशीन बना रहे हैं यहाँ पे, कंपनी में बन रही है सब मशीन? हाँ जी, हाँ जी, डॉल्फिन में ही बन रही है ना सब मशीन? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, हमने हमारी सर को पूरा फैक्ट्री विजिट किया है, मशीन कैसे बनती है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। और ये मशीन का हमने आपको सर, ये मशीन लाइव डेमो दिया हमने आपको। हाँ जी, हाँ जी। बर्फ डालना है, कैसे आने के बाद ही सब काम शुरुआत हुआ था। अच्छा, उसके बाद में बर्फ डाला, पानी डाला और गैस मिक्स किया, कनेक्शन दिया, मेरा सामने ये पूरा डेमो हुआ था, आपके सामने लाइव डेमो चालू करवा दिया हमने। अच्छा, अभी हम सर को थोड़ा इसमें से सोडा निकाल के बताएंगे कैसा टेस्ट है इसका, कैसा क्वालिटी है, कैसा स्ट्रॉन्ग। देख सकते हैं आप, सादा सोडा निकल रहा है, प्लेन सोडा, ये आप देख सकते हैं कितना बबल सा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिना पावर बिना बिजली। सर, अभी कोई इसमें लाइट लगा हुआ है कोई? पावर दिया है हमने कोई? नो बैटरी है, नो बैटरी है, नो करंट है, नो करंट कुछ भी नहीं, बिना पावर से ही चल रही है मशीन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, टेस्ट करिए ना सर, एक गोट लगा के इसका स्ट्रॉन्गनेस। एकदम स्ट्रांग है सर, पावर है एकदम, और शील्ड है। हाँ सर, शील्ड है, ठंडा भी है, ठंडा भी है सर, और बूस्टर सोडा पावर भी है, जो बाजार में जो बोतल में मिलता है वैसा स्ट्रांग है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, पावर है, एकदम पावर है, एकदम पावर है। हाँ जी, आप देख सकते हैं, हमने बताया सर को, टेस्ट कराया इसका स्ट्रांगनेस कैसा है, कैसा पावर है, और हम थोड़ा इसको जमीन के अंदर भी डाल के दिखाएंगे आपको कि इसका स्ट्रांगनेस कैसा होता है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे डालेंगे इसको, इसका उबाल देखिए दोस्तों, बिना पावर बिना बिजली से कितना स्ट्रॉन्ग सोडा होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका उबाल देखिए, इसके बबल्स देखिए यहाँ पे, कितने बबल्स आ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग देखना है तो आपको इसके प्लेन सोडा से आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर बना सकते हो, ऊपर से फ्लेवर ऐड करके, जीरा मसाला, फ्रूट बियर, ऑरेंज, नींबू शिकंजी, नींबू मसाला, हाजमा हाजा कुछ भी ऊपर से ऐड कर डिफरेंट डिफरेंट 40 तरीके का अलग अलग वेरायटी बना सकते है। फिलहाल हम इसके अंदर प्लेन सोडा भर रहे, आप देख सकते हैं बबल सोडा, चील्ड और ठंडा सादा प्लेन सोडा बना रहे इसके, हम देख सकते हैं पूरा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मसाला पड़ा हुआ है जलजीरा का, ये मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं जीरा मसाला का पाउडर है हमारे पास, इसको हम ऊपर से ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें इसको थोड़ा मेल्ट करेंगे, इसलिए आपको स्ट्रॉन्गनेस का आइडिया खुद आ जाएगा, आप देख सकते हैं, आप देखिए इसका पावर देखिए, ये कितना उबल के बाहर निकल रहा है पानी, इसका स्ट्रॉन्गनेस कितना निकल रहा है ऊपर से, आप देखिए इसके बबल्स देखिए इसमें। और सर, आप मशीन ले जाके इसका क्या काम करेंगे सर, कैसा वर्क करेंगे इसका? हमारा उधर दुकान है, वो काउंटर सेल्स के लिए लेके जा रहा हूं, काउंटर सेल के, रिटेल सेल्स के लिए जा रहे हैं, इसमें ऊपर से नींबू मसाला डाल के, पाउडर डाल के, कोई भी फ्लेवर ऐड करके, ऐसे डिफरेंट शरबत में ये सोडा डाल, शरबत में सोडा डाल के डिफरेंट फ्लेवर का टेस्ट पिलाएंगे आप कस्टमर को।
तो सर मशीन देखने के बाद आपका डिसीजन क्या लेंगे सर, आप मशीन कब बुक करेंगे, कब लेंगे सर? मैं अभी लेके जाना वाला ही है। साथ में लेके जा रहे हैं क्या? हाँ, सर गाड़ी में डालने का है। गाड़ी इसलिए अभी पसंद आ गया, बुक करा लेंगे आप मशीन? हाँ जी बुक करा है। आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर को हमने मशीन दिखाया, उनको इतना अच्छा लगा, ये ओनली विजिट के लिए आए थे सर यहाँ पे, लेकिन इनको इतना पसंद और इतना अच्छा आया कि मशीन साथ में ही लेके जा रहे हैं कस्टमर। और सर हमारे कोई तमिल के कस्टमर है, तमिलनाडु के कोई, तो उनके लिए कुछ दो शब्द बताइए अपना तमिल लैंग्वेज में सर, जरा कि हमारी कंपनी कैसा है, थोड़ा दो शब्द बताइए सर तमिल लैंग्वेज में। मोला वीडियो பார்த்துட்டு தான் இங்க வந்தேன், வந்த உடனே மிஷினை பார்த்தேன், எனக்கு முன்னாடி தான் எல்லாமே டெமோ கொடுத்தாங்க, கொடுத்ததெல்லாம் சோடா நல்லா இருந்தது, குடிச்சு பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்தது, பார்க்குறக்காண்டி தான் இங்கே வந்தேன், இப்போ மிஷின் நல்லா இருக்குங்கவும் இப்போ வாங்கிட்டு கூட எடுத்துகிட்டு போகிறேன், தேங்க்யூ। ओके सर, थैंक यू फॉर विजिट हमारी कंपनी में आए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।